पिछले वाले एपिसोड में मुझे उस कैसल के नीचे एक अंडरग्राउंड वर्ल्ड मिला था। यहाँ पर पहुँचने के बाद मुझे काफी सारी नई चीजें देखने मिली थी एंड उसी के साथ साथ मुझे अपना एक दोस्त भी मिल गया जो कि था चंकी। तो फिर हम लोग ने तय किया कि हम दोनों मिलकर हीरोबाइन को मारेंगे एंड फिर मैंने वो खतरनाक सॉर्ड बाय की एंड देन हम लोग ने बनाई हीरोबाइन को मारने की प्लानिंग। और जैसा हम लोग ने सोचा था वैसा का वैसे ही हुआ। हीरोबाइन हमारे झांसे में फंस गया लेकिन एंड में कुछ ऐसा हुआ जो कि एकदम अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि हीरोबाइन को हमने नहीं नल ने उसे खत्म कर दिया एंड उसको देख के एकदम शॉक हो गए हम दोनों एंड तुम लोग भी शॉक हो गए होंगे। एंड अभी हम लोग उस नल से बच के यहाँ पर आ चुके हैं एंड ये कब हुआ वो बताने से पहले हमको शायद से पता चल चुका है कि नल ने हीरोइन को क्यों मारा। तो जैसे कि तुम लोग को पता होगा कि मुझे जब पोशन ऑफ डेथ मिला उसके बाद मैं उनके कैसल में गया था एंड उस कैसल में जाने के बाद नल ने मेरी इन्वेंट्री को चेक किया था एंड उसको चेक करने के बाद उसको वो शायद से पोशन मेरे इन्वेंट्री में दिख गया था लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया उस समय पर क्योंकि नल हीरोबाइन को स्टार्टिंग से ही मारना चाहता था। और वो क्यों? क्योंकि हीरोबाइन नल से ज्यादा पावरफुल था एंड नल हीरोबाइन को कभी नहीं हरा सकता था। सो उसने हमारे लिए वेट किया कि कब हम लोग उसके ऊपर ये पोशन डालेंगे एंड उसकी सारी की सारी पावर्स हटा देंगे एंड जैसे ही हमने वो किया उसने अपना चांस मार लिया एंड हटा दिया हीरोबाइन को अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए। सो देखो ये जो भी मैंने कहा है ये हम लोग को लगता है, हम लोग 100% श्योर नहीं है लेकिन आई गेस यही रीजन होना चाहिए क्योंकि भला क्यों ही मारेगा वो हीरोइन को। सो उसके बाद वो रुका नहीं, उसने हम दोनों को भी मारने की कोशिश की। ओह नो शिट, हमारे पास आ रहा है, भाग जल्दी, भागो भागो, अभी हम लोग को इसके हाथों नहीं मरना है, जितना तेज हो सकता है उतना तेज भाग। भाई आगे ये क्या है ये देख, चल 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 अंदर चल, टाइम नहीं है, बस इन कांटों के ऊपर मत गिरना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। आ जा मेरे पीछे पीछे, रुक जा यार, फटाफट मत भाग, फिटनल आ रहा है क्या पीछे? अरे छोड़ ना उसको, तू चल अब पहले जल्दी। अच्छा लेट्स गो, चल अभी हम लोग जितना दूर जा सकते उतना दूर जाना है, तो बस उसके हाथ बिल्कुल नहीं लगना। ठीक है बड़े यार, की क्या कौन सा केव है भाई, जाना कहाँ पे? ऊपर एकदम। हाँ बस तू मेरे पीछे पीछे चल। ओके हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए, यहाँ पर आएगा नल नहीं आएगा क्योंकि वो उड़ नहीं सकता, क्या पता आ जाए। तो चलो आ गए। एंड ये कौन सी जगह यार, हमें को डर लग रहा है वो पीछे तो भाग के नहीं आ रहा होगा। नहीं नहीं नहीं, वैसे तो हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं। सो ये हुआ एग्जैक्टली, तो अभी हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं एंड अभी हम लोग को नहीं पता कि हम लोग को घर कैसे जाना है। अभी तेरे साइंटिस्ट के पास चलते ना, कुछ तो कड़क चीज देगा ना, आई मीन कुछ तो सुझाव तो देगा वो कड़क वाला। वैसे आइडिया तो सही है बट हम लोग उसके पास जाएंगे कैसे क्योंकि हीरोब्रायन मुझे उस पोर्टल से बहुत दूर घसीट के लेके आया है एंड अब मुझे नहीं पता कि वो पोर्टल कहाँ पे होगा, क्या पता वो हजारों ब्लॉक्स दूर हो। अरे थोड़ा तो याद कर कि हीरोब्रायन तेरे को कैसे लेके आया था, कुछ डायरेक्शन वायरेक्शन पता तो होगा ना। आई गेस कैसल पे जाके देखना पड़ेगा। अरे नहीं, कैसल में क्यों जा रहा है? अरे कैसल के अंदर नहीं जा रहा हूँ, बस थोड़ा सा बाहर से जाकेंगे। मरेगा तू, मत जा। अरे इतना डर के जियोगे तो कैसे चलेगा, आने दो बच्चे को, उड़ा देंगे बम से। ओके तो वो देखो हो रहा कैसल, आने दे नल को, उसको भी खोलता हूं। ओ भाई ज्यादा स्टाइल नहीं, देखा ना कैसे मारा उसने हीरोइन को। हाँ यार एक ही शॉट में मार दिया पूरा, चांस भी नहीं मिला हीरोइन को। सो आई गेस जितना की मुझे याद है हीरोइन में को बादलों से लेके डायरेक्ट स्ट्रेट उस ब्रिज के ऊपर लेके आया था। सो आई गेस हम लोग को इस ब्रिज के एकदम ऑपोजिट साइड जाना है तो शायद हम लोग पहुंच सकते हैं अपने पोर्टल पे। ठीक है चल ट्राई करने में क्या जा रहा है। ओके तो चल आ जा मेरे पीछे पीछे एंड ओके एंड यहाँ पर पानी पानी है एंड इतनी सारी मछली है, वाव। हाँ एक काम कर तू मच्छियों को मार क्योंकि फूड की बहुत कमी हो रही है। नहीं नहीं तू काट, मैं वेजिटेरियन हूँ। वेजिटेरियन है एंड हाँ गाइस अगर तुम लोग को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज जाके लाइक कर दो, सिर्फ 2 सेकंड का काम होता है, इतना तो तुम लोग कर ही सकते हो। तो आई गेस ये जर्नी बहुत बड़ी होने वाली है क्योंकि मुझे नहीं पता कितना दूर वो मुझे लेके आया है बट लेट्स सी अभी क्या होता है। और भी ठीक है विलेज भी मिल गया। ओके ये एकदम मस्त चीज हो गई क्योंकि अभी खाने का कोई टेंशन नहीं है। मेरे को नहीं खाना, मेरा खाना है, हट हट मेरा है सब। ले ले भाई जितना खाना है ले ले। तो चलो और क्या हो, कद्दू खाएगा क्या? एंड विलेजर्स है कि नहीं? एंड एक काम करते ये बेड भी ले लेते, तू भी ले ले कहीं से बेड एंड इन चेस्ट के अंदर। तो चलो गुड नाइट करते अभी। आज अंदर आज अंदर आ। अच्छा ठीक है, हम लोग बाहर सेफ नहीं है और कभी भी आ सकते हैं और रात में आके डरा सकते हैं हम लोग को। गुड नाइट। तो हम लोग को शायद से इस तरफ जाना है तो चल चलते फटाफट। और वेट अ सेकंड, एक और विलेज मिल गया। ओ भाई सो उस विलेज से निकलने के बाद हम लोग बहुत देर तक ढूंढे लेकिन कुछ भी साइन नजर नहीं आ रहा था कि कहाँ पर है वो पोर्टल, लेकिन फिर हमें ये चीज दिखी। ओ वेट, इतने देर बाद अब जाके एक स्नो बायोम मिला है एंड वो पोर्टल शायद से स्नो बायोम ही था, लेट्स सी है कि नहीं। एंड वेट, यहाँ पर ट्रैप डोर किसने लगाया? हेलो ये कोई स्ट्रक्चर है क्या? ओ ये मैं जा सकता हूँ? हाँ ऑब्वियस सी बात है। ओ वेट ये क्या हो रहा है, कहाँ पे जा रहा हूँ मैं? वेट सर कहाँ पे गए हुए?
यहाँ पर ही तो था क्या, ये कोई सीक्रेट टनल बना है क्या? चलो मैं भी जाके देखता हूँ। वेट, आ गए हम लोग। हाँ देख पूरा पोर्टल वहाँ पे। यस, लेकिन वेट हमारा सारा सामान चला गया। आई गेस ये क्योंकि एक नया डायमेंशन है तो यहाँ पर हमारे टूल्स नहीं होते होंगे। हाँ यार मेरी स्वॉर्ड भी चले गई। आई होप कि हम लोग वापस जाएंगे ना तो मिल जाए। तो ये रहा वो पोर्टल एंड वो रहा वहाँ पर वो हीरोबाइन का बंकर। लेकिन अभी हीरोबाइन का तो खात्मा हो चुका है तो चल चलते इस पोर्टल में। चल लेट्स गो। ओह भाई आ गए। एंड वेट ये कहाँ पर है हम लोग? हेलो, मुझे लगता कि पहले ये पोर्टल यहाँ पे लेके जाता था। और वेट ये कौन है ओए? अरे 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 मार मत। सो भी यहाँ पर क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। एंड वेट हार्डकोर में कैसे आ गए? ये वर्ल्ड में मैं बोल रहा हूँ बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही है भाई। क्या हो रहा है यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये पोर्टल से मैं कहीं तो अजीब जगह पे आया एंड ऊपर से हार्डकोर होगा गेम, लाइक ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ रहा है। तो फिर हम लोग को साइंटिस्ट यही कहीं मिलेगा क्या? शायद ये सब साइंटिस्ट ने बनाया होगा। हाँ हो सकता है, बट वो होना भी तो चाहिए यहाँ पे। ओ वेट ये कौन है भाई? वो है साइंटिस्ट। आवेगा चुप रहे। अबे पे छुप के बैठा है क्या? चलते अंदर चलते। ओ भाई ये बंदा एकदम रूप भी बदल के आया, लगता है बहुत कुछ इसने अपग्रेड कर लिया है यहाँ पे। वो तो ये है साइंटिस्ट। हाँ हाँ अंदर आ जाए, शर्मा क्यों रहे। तो चलो साइंटिस्ट को खुश खबर दे देते हैं। यस एंड देखते इसका रिएक्शन। व्हाट क्या रिएक्शन है, वाओ एपिक रिएक्शन। ये तो प्रो प्लेयर निकला रिएक्शन के गेम में। अभी ज्यादा चिढ़ा मत उसको, ये पता नहीं है कितना बड़ा महान इंसान है। तो शक्ल देख के लग रहा है। चलो मजाक बहुत हो गया एंड इसको लिखते हैं। बट नाउ नल इज आफ्टर अस, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। ओह शिट वेट अ सेकंड आई विल बी बैक। भाई कहाँ पे जा रही है? हेलो हम आएगा जिसको कोई जरूरी काम आया है। चलो दूर से ही देखते है। ले भाई तू किधर गया है? अरे रुक जा दो मिनट, और ये कुछ ब्रूइंग स्टैंड में कुछ तो कर रहा है। क्या पता नल को मारने के लिए कोई पोशन बना ले। ब्रो आप ब्रो क्या हुआ? मेरे को बचा। अरे क्या हुआ? नल आ गया यहाँ पे। व्हाट नल? अरे भाई बचा। किधर है भाई? किधर है तू? रुक जा मैं आ रहा हूँ, रुक जा। यहाँ पे ही था ना ये, कहाँ भैया? ओ रहा, रुक जा। अबे रुक जा नल, क्या गया मेरे दोस्त के साथ? भाई ये तो हाथ में ही नहीं आ रहा है भाई, इसकी स्पीड कुछ ज्यादा ही है। अरे यार कहाँ चला गया? शिट यार जंकी को पकड़ के लेके गया है। ओ शिट ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और ये क्या आवाज है, कौन है शोर मचा रहा है? ओ भाई इस साइंटिस्ट क्या क्या कर रहा है यार, अब क्या करूँ? आएगा साइंटिस्ट से ही पूछना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट कहाँ पर है? ओ ये रहा, व्हाट हैपेंड? चलो इसको बता दे कि जंकी किडनैप हो चुका है। देखो भाई ये भी शॉक हो गया एकदम। व्हाट शुड आई डू? आई हैव नो आइडिया। यार क्या है फिर तेरे पास? तो यार ये तो हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, तो बस अब एक ही रास्ता बचा है जो कि इस नल का पीछा करना। सो इसी रास्ते से गया था एकदम सीधा, सो आई गेस मेरे को भी जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं। बट यार ये बंदा चाहता क्या है, लाइक हीरोइन को भी मार दिया और अभी जंकी को किडनैप कर दिया, मतलब भाई चैन से सोने नहीं देगा ना। एंड वेट अ सेकंड ये बंदा कौन है? वो देखो कोई तो है वहाँ पे, तो जाके देखते है। ओ हेलो ब्रो कौन हो तुम? भाई तुम कौन हो? माई सेल्फ प्रो बॉयज। बट भाई तुम हो कौन और यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये बहुत खतरनाक जगह है। अरे मैं यहाँ पे ना विलेज ढूंढ रहा था पर मेरे को कहीं मिल नहीं रहा यार, देखा है क्या तुमने किधर? हाँ यहाँ पर थोड़े से ब्लॉक्स दूर ही एक विलेज है एंड काफी मस्त है, आ जाओ मैं तुमको लेके जाता हूँ। वैसे तुम ये विलेज को क्यों ढूंढना चाहते हो? अरे मेरे ख्याल से ना यहाँ पे कोई तो विलेज है जहाँ पे मैंने एक कर्स डिटेक्ट किया है, तो इसके लिए मैं विलेज ढूंढ रहा हूँ। व्हाट कर्स? कैसा कर्स? कर्स से मेरा मतलब एक बहुत बुरी चीज जैसे कि मॉन्स्टर जो मैंने इस यहाँ के कोई तो विलेज में डिटेक्ट किया है। वेट 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 क्या तुम नल की बात कर रहे हो? हो सकता है, शायद नल भी हो सकता है वो, क्या पता, मैंने भी अभी तक देखा नहीं है, पर अगर नल हुआ तो बहुत डेंजर हो सकता है। नल हो सकता है? नहीं वो नल ही है 100%, अभी थोड़ी देर पहले विलेज में ही था वो। एक काम कर जल्दी से चल, मुझे विलेज के पास लेके चल। ओके चलो 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 फटाफट। अरे यार ये मॉब्स कहाँ से आ रहे? तो आए गए हम लोग आ गए, एंड शायद यही है वो विलेज जो कि तुम ढूंढ रहे थे। ओ भाई साहब ये विलेज बहुत अलग है, पर एक सेकेंड यहाँ पे तो मुझे वो कर्स सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। हैं तुमने तो कहा था कि तुम्हें कुछ तो यहाँ पे डिटेक्ट हो रहा है। हाँ पर अभी तो नहीं हो रहा। ओ अच्छा मैं समझा, मेरे ख्याल से जो पहले नल आया था ना वो इसे डिटेक्ट हुआ है। What? बट अब तो वो भाग चुका है यहाँ से। ओके तो भाई सुनो, अभी मैं तुमको एक बहुत रास की बात बताने वाला हूँ, तो फिर अब मैं पूरी कहानी तो नहीं सुना सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि मेरा जो दोस्त है उसको नल किडनैप करके लेके गया है, एंड मुझे कोई आइडिया नहीं है वो कहाँ पे लेके गया उसे, एंड कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ अभी। पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बट कैसे? मैं इस गेम में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हूँ,
और मुझे डार्क मैजिक के बारे में भी बहुत कुछ पता है। डार्क मैजिक? तो इसके लिए मैं तुमको नल को पकड़ने में हेल्प कर सकता हूँ। ये देखो मेरे पास क्या है। ओ भाई कौन सी मशीन है ये? लग तो एकदम डेंजरस रही है। पोर्टल गन। पोर्टल गन? ये मैंने बनाया एक पोर्टल और फिर ये बनाया मैंने दूसरा पोर्टल। क्या इसका मतलब अगर मैं ये पोर्टल में जाऊंगा तो दूसरे पोर्टल से निकलूंगा? ओह दिस इज ऑसम। यस, तो ये जो जगह पे हम लोग है ये जगह बहुत ज्यादा डेंजर भी है और मिस्टीरियस भी। नल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीमंस है यहाँ पे। तो अब बस मुझे इतना बताओ कि मैं अपने दोस्त को उस नल के पास से कैसे छुड़ाऊं। ओके, तो मुझे ये तो नहीं पता उसको कैसे मारना है, बट मैं उसका लोकेशन बता सकता हूँ। क्या बात कर रहे हो ब्रो, उसकी अगर लोकेशन ही मिल जाएगी तो बहुत आसान हो जाएगा काम। तो चलो चलते हैं नल के पास। ओके, फॉलो मी, जल्दी जल्दी चलते और पोर्टल से उसके पास पहुँचते। ओके, तो चलो चलते अंदर। एंड आ गए हम लोग। बट वेट, लियोक कहाँ पर गया? वो हेलो कहाँ गायब हो गया? शेट, I don't know वो कहाँ पे है। एंड वेट, मेरी सॉर्ड भी गायब है। आई गेस कुछ तो गड़बड़ है इस जगह में। एंड वो देखो आगे एक बड़ा सा पोर्टल। क्या उसने अभी जस्ट ब्लिंक किया? नो वे भाई, क्या चीज है ये? वो बापरे बहुत क्रीपी है। सो आई गेस यही है वो रास्ता नल के पास जाने का। एंड यार मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मेरे साथ लियोक भी नहीं है एंड मैं अकेले कैसे लड़ूंगा उससे। लेकिन हम लोग ट्राई करते हैं कि क्या इसके अंदर मुझे सच में नल मिलेगा। 3, 2, 1 गो। भाई आ गया। एंड ये क्या जगह है? सो ये है नल का बेस। अरे डरा दिया, कहाँ से आया तू? अरे मैं तो डायरेक्ट पोर्टल से यहाँ पे आ गया था, तू किधर रह गया था? अरे मैं पता नहीं, कोई तो एक ब्लिंकिंग पोर्टल के पास आ गया था एंड उसके अंदर मैं गया तो यहाँ पे आया। What the hell? यू ऐसा नहीं होना चाहिए था क्या? पता नहीं भाई, पता नहीं कैसे हो गया ये। तो ये है नल का एकदम सीक्रेट किंगडम। एकदम सावधान रहना ठीक है, बहुत डेंजर जगह है। नल सुन लिया okay. तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यार ये जंकी हम लोग को मिलेगा कहाँ पे वैसे? पता नहीं भाई, मैं भी यहाँ पे ज्यादा आया नहीं हूँ वैसे तो। ओके चलो हम लोग साथ में जाके देखते है क्या होता है। ओके, भाई ये कैसा किंगडम है? ओ भाई हाँ ना। ओ वेट, वो कौन है? ओ वो देखो ऊपर नेम टैग दिख रहा है उसका। ओ भाई, तो चलो चुपके चुपके जाते वहां तक एंड नल को पता नहीं लगना चाहिए। और कैसे जाए वहां पर? वो देखो वो रहा गेट। लेट्स गो लेट्स गो। ओ शिट, नल यहाँ पर ही है। शिट नहीं, ओ भाग। अरे ऐसे भाग के मतलब नहीं लगता मुझे, शायद इससे लड़ना ही पड़ेगा हम लोग को। ले ले, मारो 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 इसे, इसे कैसे मारो, भी खत्म करना है आज। इधर आ, इधर आ। ओ शिट शिट शिट, इसको मेरे पास नहीं आने देना है कैसे भी करके। इसे मैं थोड़ा दूर रहकर फाइट करता हूं। मैं डिस्ट्रैक्ट करता हूं। हां डिस्ट्रैक्ट करो। ओ शिट मेरी हेल्थ। ओ भाई ये तो मेरे पीछे पड़ गया है। भाई ये मरता भी है कि नहीं? हीरोइन जितने ताकतवर है क्या? ओ शिट शिट, भागना पड़ेगा। शिट लिटरली आधी हेल्थ है और ये मेरे जस्ट पीछे है, मैं खाना भी नहीं खा सकता। शिट, रास्ता कहाँ पे? अरे मिल गया मेरे पीछे। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। इधर इधर अंदर अंदर। चलो 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 चलो, नल मेरे पीछे ही है जस्ट। अरे हाँ मेरे पास पोर्टल गन है ना, इधर भी बना रहा हूँ। जल्दी 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 भाई, बच गए। लिटरली आधी हेल्थ है भाई, खाना खाओ। कितना डरावना था ये। तो इससे हम लोग को एक चीज तो मालूम पड़ चुकी है कि हम लोग इससे ऐसे ही लड़ने तो नहीं जा सकते बिल्कुल भी, क्योंकि ये हार्डकोर है एंड वो 2-3 शॉट में हम लोग आराम से खत्म कर सकते हैं। सो हम लोग को कुछ तो प्लानिंग बनानी पड़ेगी और उस जंकी को भी छुड़ाना पड़ेगा। तो अभी क्या करें हम लोग? कोई रास्ता है तेरे पास? एक रास्ता है। What? मैं एक विजार्ड को जानता हूँ जिसका नाम सैमुअल है और शायद वो हमारी हेल्प जरूर कर सकता है। वो बहुत ज्ञानी बाबा, बहुत शक्तिशाली है और ये पूरे डार्क मैजिक को जानता है। मुझे लगता है शायद वो हमें कोई एक रास्ता दिखा सकता है। तो फिर तो भाई मिला हो यार, चलो अभी चलते हैं उसके पास क्योंकि और कोई चारा नहीं है। इस रास्ते पे मुझे फॉलो कर। अरे एक सेकंड, क्या हुआ? चल के क्यों जा रहे? मेरे पास ये। ओके लेट्स गो। ये बंदा चला गया अंदर, तो चलते हैं हम लोग अभी सैमुअल के पास एंड देखते हैं वो विजार्ड क्या कर पाता है। लेट्स गो। आई गेस आ गया मैं। तो ये है वो सैमुअल विजार्ड जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। घुटने टेक के चलो रिस्पेक्ट देते हुए। बहुत बड़े विजार्ड है हमारे सैमुअल विजार्ड। ये मेरा दोस्त है जिसको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। भाई आजा, अपनी प्रॉब्लम बता। सैमुअल विजार्ड, हमें कोई तरीका बताओ जिससे कि हम लोग उस नल को खत्म कर सके जिसने कि मेरे दोस्त को उठा के लेके गए। वो बहुत खतरनाक है और हम लोग उसे नहीं हरा पा रहे।
देखो इस दुनिया में हर एक शक्तिशाली चीज की एक ना एक कमजोरी जरूर होती है। क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि जिस चीज से तुम लड़ रहे हो वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करती हो, वो इस चीज से बना है जो तुम्हारे आजू बाजू हर वक्त रहती है।